मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर क्षेत्र का है, जहां से लगातार नकली खाद की खबर आ रही थी। मामले को मीडिया के माध्यम से कई बार प्रकाशित भी किया गया, जिसके बाद पंखाजूर कृषि विभाग के द्वारा पंखाजूर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। नकली खाद बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पंखाजूर पुलिस ने किया पर्दाफाश। आरोपी नमक में रंग मिलाकर यूरिया का रूप देकर उसे ऊंचे दामों पर बेच रहे थे, जिसके बाद पुलिस राजस्थान पहुंची। दो आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। कांकेर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे यहाँ दिनांक 22/7/2024 को थाना पखांजूर में नकली खाद के संबंध में कृषि विभाग के द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। अपराध क्रमांक 147/2024, जिसमें एक ट्रक जो है वो उसमें खाद बरामद किया गया था, जो कि नकली होने के कारण जो है पूरी विभाग ने उसको जब्त भी किया था। तो उसमें जो आरोपी थे अनिमस घरामी, जो यहाँ पखांजूर का व्यापारी था जिसने खाद मंगाया था उसे, और उस्मान खान जो ट्रक का मालिक था और परिवहन करता था उसे गिरफ्तार, इसकी विवेचना लगातार की जा रही थी। इसी क्रम में ये पता चला था आए थे कि यह जो खाद है नकली, वो उसकी सप्लाई जो है हुई है। तो हमारी एक टीम साहू के नेतृत्व में राजस्थान गई थी और वहाँ नावा सिटी जो डिडवाना जिले में है, वहाँ एक श्री जैन केम फूड नामक एक फैक्ट्री है, जिसके मालिक हैं विनोद जैन, विनय जैन और उनकी पत्नियां भी इसमें पार्टनरशिप फर्म में सब पार्टनर। विनोद जैन का बेटा उपकार जैन वो सक्रिय रूप से इस कारोबार में शामिल रहता है। वो और एक ओपीएस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड करके एक फर्म है, जिसके पार्टनर हैं शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना, और एक ट्रांसपोर्टर दौलत सिंह डायमंड ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये सभी मिलकर जो है इस गिरोह को चला रहे थे।